बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम इस परिवार से ताल्लुक रखते हैं, उनकी पोती हैं हम। उनके आप उन्हें कई कहानियां होगी क्या कुछ उनको मेमोरीज जो आपके साथ शेयर की हो? उनकी तो लाखों कहानियां, मैंने अपने दादा को देखा नहीं लेकिन अपने पिताजी, अपने माता जी या पूरे परिवार, अपने बड़े पापा भाई लोग सबसे सुनते आए कि इतने बड़े नेता, इतने जन के नायक, वो हम लोग के नहीं पूरे देश के थे, पूरे गरीब दुखिया के ही सारे। बिहार मेरी उनके साथ कोई यादें नहीं है क्योंकि मैं उस टाइम जन्म भी नहीं ली थी, उनका देहांत हो चुका था। लेकिन बस यही है कि मेरे माता पिता जो कहानी कहते हैं कि गरीब के बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, कि गरीब के बच्चे को 10th इंग्लिश में नहीं पढ़ाई हो पाती थी, हमेशा गरीब के बच्चे 10th में फेल करते थे, तो उन्होंने इंग्लिश में उस गरीब के बच्चे अगर फेल भी कर गए तो उसको पास कर दिया जाता था, और उस समय से वो कर्पूरी रिविजन लागू हुआ। उनकी समय की आइडियोलॉजी और आज की जो आइडियोलॉजी उसको लेकर क्या है? उनके नाम पे सब नाम लेते हैं, सारे लोग चलते हैं, लेकिन उनका कोई आइडियोलॉजी फॉलो नहीं करता है, कोई उनके आइडियल को जैसे वो थे उसके उनके जैसा नेता ना कोई है ना कोई बनेगा। क्या नाम है आपका? डॉक्टर जागृति। बैठ जाए, बैठ कर बात नहीं करें, बैठ कर भजन का आनंद उठाए, गायन का आनंद उठाए। और अभी जो मंच पर हमारी बच्चियां आई हैं, बांकीपुर राजकीय कन्या उच्च विद्यालय बांकीपुर की छात्रा, आज के इस अवसर पर उनके द्वारा भी भजन गीत की प्रस्तुति की जाएगी। सभी बैठ जाए जो भी यहाँ खड़े हैं, मैं सभी से निवेदन कर रही हूँ आप सभी बैठ जाए, बैठ कर आनंद ले संगीत का। ये संगीत में प्रस्तुति सांगीतिक प्रस्तुति और ये अवसर की कला संस्कृति और विभाग ये बताने वाला पल नहीं है, समाज के अंतिम पायदान के लोग को ये बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं 13 करोड़ भारतीय जनता की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का एवं तमाम पार्टियों लोग का। आशीर्वाद देने के लिए पूर्व शिक्षा मंत्री श्री रामचंद्र पूर्वे जी मंच तक पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत। बोला तो गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है सब। मेरा नाम डॉक्टर अभिनव विकास हुआ जी, बोते रघुपति राघव राजा सीनियर।